श्री राम मंदिर बनाने के लिए अब देश में मुस्लिम समुदाय के लोग भी एकजुट होना शुरू हो गए हैं। ये बात मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तरी क्षेत्र के संगठन मंत्री एवं आरएसएस के प्रचारक दीपक जोशी ने कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए 16 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुस्लिम समुदाय द्वारा मंदिर निर्माण के लिए सभा का आयोजन किया जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तरी क्षेत्र के संगठन मंत्री एवं आरएसएस के प्रचारक दीपक जोशी ने चंबा में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अब देश में राम मंदिर के पक्ष में रुझान बनना शुरू हो गया है। सभी समुदायों के लोग अब इस पक्ष में एकजुट होना शुरू हो गए हैं। इसके लिए 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राम मंदिर बनाने के लिए अब सभी लोगों को एकजुट कर इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। मुसलमानों को लोग शक की नज़र से हमेशा देखते हैं, और इस देश में जन्मे हुए मुसलमान इस देश के ही हैं, और इन देश के मुसलमानों को कोई राजनीति ना की जाए, इनकी बहुत मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया गया। आज देश का मुसलमान संगठित होकर इस राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरा देश में 16 तारीख को दिल्ली में जाकर एक राम जन्मभूमि के बारे में हम निर्णय का चर्चा करेंगे। तो 16 दिसंबर को राम लीला मैदान में पूरे देश भर का मुसलमान इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर वहाँ राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने की कसम खाएंगे। दूसरा, हम एक और विचार चला रहे हैं मुसलमानों में, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। चाहे हम भोजन कम करेंगे, वो बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, ये जरूर हम लोग आपस में, क्योंकि जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, चल से वो 16 तारीख को कम से 200 से 300 लोग जाएंगे, प्रमुख लोग ऐसा है जी। हमने ये चालू कर दिया है मंड वगैरह में, तो हम चालू कर दिया है, वहाँ हम एक शिक्षक रखे, यानी जो एक टीचर रोजाना इनके यहाँ जाए, रोजाना जाके शाम को 2 घंटे उनको वहाँ पढ़ाए। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।